लॉकडाउन के इस संकट काल में रक्तदाताओं की काफी कमी सामने आई है और जो दे भी रहे हैं उन पर कानूनी दांव पेच भारी पड़ रहा है। लखनादौन में एक पटवारी को रक्तदान करना महंगा पड़ गया। पटवारी को रक्तदान के बाद जिला औषधि अधिकारी ने कानूनी दांव पेच के तहत जानकारी लेनी शुरू कर दी। सिवनी के लखनादौन में एक पटवारी ने मानवता के नाते रक्तदान किया, पर शायद उसे नहीं पता था कि उसका यह रक्तदान उसे महंगा पड़ सकता है। दरअसल एक हफ्ते पहले पटवारी संदीप श्रीवास्तव ने गरीब महिला को आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान किया था। हालांकि यह रक्तदान उन्होंने एक क्लिनिक में दिया, पर उन्हें क्या पता था उनके द्वारा किया गया रक्तदान उन्हें अब कानूनी दांव पेच में फंसाने वाला है। जिला औषधि अधिकारी द्वारा फोन करके पटवारी को बुलाया गया और उसके कथन लिए गए। कथन ना दिए जाने की स्थिति पर लंबी लंबी कानून की नजीर सुना दी गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर रक्तदान करना गुनाह है तो रक्तदान शिविर क्यों लगाए जाते हैं, और अगर इसी तरह से रक्तदाता पर कानूनी दांव पेच का शिकंजा कसा जाने लगा तो कौन रक्तदान करने आगे आएगा। मुझे यहाँ डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक में सिवनी से कोई अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर आई हुई थी, किसी ब्लड डोनेशन को लेके बयान के लिए बुलाया गया था। तो क्या किस टाइप का बयान था, क्या पूछना चाह रही थी वो आपसे? विगत दिनों मेरे द्वारा यहाँ एक जरूरतमंद को रक्तदान किया गया था, उस संबंध में जानकारी लेना चाह रही थी मैडम। कितने दिन पहले किया था वो रक्तदान आपने? लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। किसको दिया था? घनसौर की एक फैमिली थी, जरूरतमंद थी, उनको रक्तदान मेरे द्वारा, यह मेरा पास में ही घर है, यहाँ वो बैठे हुए थे तो उनसे मैंने ऐसे सामान्य सी जानकारी ली थी। तब उन्होंने बताया कि मुझे खून की आवश्यकता है, तब फिर मेरे द्वारा उनको रक्तदान किया। द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुझे फ़ोन पे बात कराई गई, उनके द्वारा कहा गया कि आप बयान लिखित में बयान दें, अन्यथा आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा, प्रकरण बनेगा करके ऐसी कुछ। यहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से जो ब्लड का कलेक्शन है वो चल रहा है, तो उसकी जांच के लिए मैं आई हुई थी। तो उसकी जांच, मेरे जांच के दौरान तो यहाँ इस तरह की कोई गतिविधि जो ब्लड कलेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हो, उस तरह जांच के दौरान तो नहीं देखी गई इस तरह की, या जो उसकी कोई चंद उपकरण है ब्लड बैग इत्यादि वो तो नहीं मुझे मिले। तो वही बस प्रतिवेदन बनाया गया है और डॉक्टर साहब के कथन लिए गए हैं उस विषय में, और प्रतिवेदन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। जब सूचना प्राप्त होगी, जानकारी हमें जब इस तरह की प्राप्त होती है तब हम बिल्कुल जांच करते हैं, और जांच में जो पाया जाता है उसका प्रतिवेदन आगे भेजा जाता है। तो अगर भविष्य में भी इस तरह की कोई गतिविधियाँ पाई जाती हैं, इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है किसी भी माध्यम से, तो उस पर आगे जाँच की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।